जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और शेरीन जेरी व्लॉग्स की वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज आप देख रहे होंगे जैकेट वैकेट डाल के मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पर हरियाणा में। और आज मतलब सुबह से ही रात को ही वैसे तो जो प्रेडिक्शन थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की बता दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वेस्टर्न हवाएं चलने की वजह से मौसम अब ठंडा रहेगा। तो मौसम ठंडा हो गया है। तो अभी आलम ये है कि मतलब धुंध नहीं है, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। तो सुबह से ही मौसम ठंडा है और मौसम वाकई में हम लोग पैक है पूरा। ये देखिए अच्छे से पैक है, मैं ऑलरेडी सब कुछ डाल के मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से मैं पैक हो गया हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले आसपास का एरिया दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आसपास का ऊपर का एरिया दिखाता हूँ कि दिखता कैसे है। और मैं आज आपको खेत में लेके चलूँगा क्योंकि नाना जी की चाय भी लेके जानी है हमने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर का व्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हम चाय लेके चलेंगे, रोड का भी देखेंगे। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, मज़े के साथ देखेंगे और आपको एंजॉय भी मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। तो मैं हूँ अभी घर के पीछे वाले जगह पे, जिसको जहाँ पर पशु वगैरह बंधे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से पशु हैं, वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है। ये ट्रॉली जो है ये हमने वहाँ से बनाई थी, अबोहर से बनवाई थी, अपने होम टाउन से। और ये सारा संदमंद जो है वो वहीं से ही आया है। यहाँ देखो ये पीछे का एरिया है और सूरज जी यहाँ पर हैं। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। मैं तो भाई सुबह से नहा धोके तैयार तैयार होके अच्छे से रेडी हूँ। हमारा जो घर है ऐसा दिखता है, देखिए नानी जी का घर, ये सब कुछ ऐसे। हाँ जी, ऐसा दिख रहा है। देखिए सब जगह दूर दूर तक है थोड़ी धुंध, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। अभी सुबह के 9:30 पौने 10 का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो ये गांव है जहाँ मैं रह रहा हूँ। दूर का थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है? ये दूर से मतलब इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये धुंध है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, सोलर पैनल की ये लाइट है। ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से पीर बाबा होते हैं, तो इनकी जगह होती है। तो कुछ एक और है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसी लाइन में है। ये देखो डॉगी घूम रहा खेत में, एक जगह ये रही, एक ये रही। इस तरह से बहुत से ऐसे पीर पैगंबर आपको मिल जाएंगे हर जगह। जितना जूम करो मतलब कैमरे की क्लैरिटी जितनी हो सकती है उतना तो खैर मैंने दिखाई दिया है। मैं आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ। ये शराब का ठेका है, ये देखिए ये वाला दिख रहा है ना जो वाइट वाइट आपको। और इसके बाद ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, थोड़ी ब्लर दिख रही होगी आपको, ये यहाँ का ग्रेवयार्ड है। चलो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखा आपने कैसा दिखता है, ऐसा है माहौल आज का। और आज डेट भी बता देता हूँ आपको, डेट है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को यहाँ पर मौसम चेंज हो गया है, अब हमें बैक टू होम जाना है। आज का दिन अभी हम यहीं पे हैं और हम यहाँ से कल हमारी वापसी होगी, ठीक है ना। सीट्स वगैरह हो चुकी हैं सारी, ट्रेन की टिकट बुक करवा ली है मैंने, और कल हम यहाँ से 12:30 निकलेंगे और 3 बजे की ट्रेन है, तो 3, सवा 3 बजे, और शाम को 7:45 बजे हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब नीचे बन रही है चाय और चाय बनेगी। हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये क्या होता है। ये होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं कोकड़ा। क्या बोलते हैं? कोकड़ा। कोकड़ा बेसिकली क्या होता है, ये एक जो कॉटन होती है ना, रू, इस चीज़ से निकलती है। ये दिख रहा है आपको, ये देखो, हाँ ये चीज़, इसको, इसमें, इस कोकड़े में से रू को निकाला जाता है, कॉटन फील्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन पहले पंजाब में होती थी, पंजाब और हरियाणा में होती थी, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा का जो दर्जा है गुजरात ने छीन लिया है। गुजरात में कॉटन बहुत ज़्यादा होने लगी है, अब वो दर्जा ख़त्म हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब खेत ख़त्म हो जाता है, कोकड़ों को छत के ऊपर ऐसे सुखाया जाता है, जितनी इसके ऊपर धूप लगती है तो उसी हिसाब से फिर इसको निकाला जाता है, कोकड़ों को निकाला जाता है। ये छत के ऊपर इस तरह से होता है, एक ही मतलब छत पे नहीं होता है, हर एक की छत के ऊपर इस तरह से पड़े होते हैं। एक और मैं आपको एक और दिखाता हूँ कहाँ पर पड़े हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे यहाँ पर भी पड़े हैं कोकड़े, यहाँ पर भी पड़े हैं। इसको कोकड़े बोलते हैं। लो जी, बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे और ये बन रही है चाय। अमेजिंग। ये तो सब्जी है। सॉरी। ये बन रहे हैं पराठे। इतने सारे पराठे खाने क्या? अरे मैं तो एक ही खाऊंगा, आप सभी ज्वाइन करिए। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कुछ मार्क होगा। इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, देखो वहां से आए हैं हम लोग, वहां से, अब यहाँ से होते हुए अगले खेत जा रहे हैं घूमते घूमते। गाइस यार, नाना जी की चाय, तो नाना जी घर पे ही आ गए थे, तो फिर उनको चाय हमने घर पे ही दे दी, फिर उनको आगे आने का, हमें मतलब जाने का मौका नहीं मिला। तो एक काम और था, जो आगे वाला खेत है ना, वहाँ पर छोटा सा काम है, वो देखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद खेत के, अभी तो फिलहाल हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वो नहर के साथ साथ में जा रहे हैं, और कुछ दूरी पर जाके उसके बाद हम लोग अपने जो खेत है नाना जी का, वहाँ चले जाएंगे। और जगह भी कुछ ऐसी है, और फिर उसके बाद बीच में से फिर हम लोग जो हमारा दूसरा खेत है, जहाँ पर एज यूजुअल जो वीडियोस बनती हैं, वहाँ आएंगे। अभी टाइम है 11:15 का, क्योंकि शॉर्ट छोटे छोटे क्लिप्स बनानी पड़ती है ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, तो सारे इसी तरह से होगा। पीछे आपको गुरुद्वारे की आवाज़ आ रही होगी। वो गुरुद्वारा जो है वो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको दिखे, यहाँ पर एक नहीं हो रहा, फ्रंट कैमरे से जूम नहीं होगा मुझे लगता है, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। मौसम बहुत अच्छा है सच में, यूँ समझो कि ठंड का आगाज़ हो गया है, ठंड की शुरुआत हो गई है, और घूमते घूमते जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सही में। क्योंकि जब भी मैं गांव में आता हूँ ना, तो ऐसे ही घूमता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आके रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। और एक मैं अपने ऑफिशियल शूज़ डाल के आ गया। स्पोर्ट्स शूज़ लेके नहीं आया था, और स्पोर्ट्स शूज़ अभी लेने हैं, सोच रहा था कि चलो ले लूँगा जाके, बट मौका नहीं मिला, अब जाके लूँगा यहाँ पे। चलो कुछ और दिखाता हूँ, बातें तो होती रहेंगी, चलिए। ये मामा जी देखो कैसे बुंगली सी बना के घूम रहे हैं, आगे मामा जी, पीछे मैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो खेतों में ना अभी पानी लगा है रिसेंटली। इस तरफ देखो, वो देखो कुछ खेतों में पानी लगा हुआ है, हो सकता है कुछ बीजा हुआ। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको दिखानी भूल गया, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये वाली ये किसी का खेत है, हमने लीज पे लिया हुआ है। जो लास्ट वीडियोस आपने देखी थी ना, वहाँ पर इस खेत में ये 3 किल्ले का ज़मीन है, 3 साढ़े 3 किल्ले मतलब एकड़, तो वो हमारी ही है। यहाँ पर इधर देखो पानी लग गया, तो अब ये जैसे जैसे पानी लगेगा ना तो उसी हिसाब से ठंड बढ़ेगी, क्योंकि जब खेतों में पानी लगना शुरू होता है ना तो तभी जो क्या कहते हैं उसे अरे नाम भूल गया यार, ओस पड़नी शुरू होती है, धुंध पड़नी शुरू होती है, ओस और धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। अब नहर के बीच में से देखो जगह बनाई हुई है जाने के लिए, ये पुरानी लकड़ी वगैरह बीच में रख के इसको इस तरह से बनाया जाता है। कैमरा थोड़ा हिलेगा क्योंकि चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ जितना मुझसे शूट हो पाता है। अच्छा हाँ, इसको एक टेक्निक के ज़रिए कर रखा है। ये देखो यहाँ से पानी को इस पार लेके जाने के लिए इस तरह से पाइप होती है, इस तरह से कनेक्ट करके ऐसे बीच में पाइप लेके दूसरी तरफ, वहाँ देखो वहाँ से ऐसे पानी, मतलब रोड के बीच में से एक पाइप डाल के ऐसे फिर आगे आप शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी टेक्निक है, ठीक है। खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी में ये सब चलता ही है, हो जाता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ जो मेरे ससुराल का खेत है, इसी मतलब नहर के इस तरफ हमारे नानी का खेत वो रहा, एक तो वो रहा, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो खेत ये है, एक दूसरा खेत इसी साइड में उस तरफ है आगे जाके, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और नहर के इस तरफ मेरी ससुराल का खेत है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके एरिया थोड़ा क्लियर है, वहाँ से दिखाता हूँ आपको। वो वाला खेत वो दिख रहा है, ये वाला जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला खेत मेरे ससुराल का है। मज़ा आ रहा है ना? आप सोचिए, जब मैं इतना मज़ा ले रहा हूँ, जब आप खेत में घूमेंगे, आप खुद घूमेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। चलिए मैं आपको ना एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जिसमें खेत में बैलगाड़ी, बुलक कार्ट होता है ना, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वो आ रही है। वैसे सीन ऐसे देखने को कम मिलते हैं, लेकिन आपको दिखेगा। चलिए वो दिखाता हूँ आपको। ये पता क्या है, ये जब पैडी का सीज़न ख़त्म होता है ना, उसका जो बचा हुआ रेजिड्यू है ये वो है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये अभी काम की चीज़ नहीं है, ये रखी हुई है, लेकिन जब वीट का सीज़न ख़त्म होता है, जब उसका जब वीट निकलता है तो उसके बाद उसकी जो झोलियाँ वगैरह बनती हैं, जो बड़े बड़े गट्ठे से बनते हैं, उसको बांधने के लिए ये काम आता है। ये साग लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, इसको बांधने के लिए काम आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत हेल्पफुल है। ब्लॉक कार्ट देख के ना पुराने दिन याद आ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी उसी हिसाब से ब्लॉक कार्ट का ज़माना चला गया। मुझे याद है ये बात, मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताई हुई है कि यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर का एरिया था, है अभी भी। वहाँ से 8-9 किलोमीटर हम बुग्गी पे आते थे। उस टाइम मोटर गाड़ियाँ नहीं होती थी ना, तो इसलिए। चलो कुछ और देखते हैं। ये जो फील्ड देख रहे हो, ये कॉटन यहाँ से निकलती है। कॉटन निकलती है ना, तो इसके बीच में कॉटन लगी होती है। अब ये काट दिया गया क्योंकि इसको चुगली है, नरमा चुगली है। उसके बाद इसको कॉटन को काट दिया गया। आगे चल के आपको दिखाता हूँ। देखो ये इस तरह से लकड़ी होती है, इसके बीच में ये जो मैंने आपको दिखाया था ना एक वीडियो में, जिसको हम बोलते हैं कोकड़े, ये देखो इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से नरमे का फूल होता है, यहाँ से कॉटन निकलता है। ये देखिए, ये छोटा सा कोकड़ा होता है, इसको कोकड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये एक तरह का डायलेक्ट है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फील्ड है, ये देखो। क्योंकि जब इससे से नरमा चुग लिया होगा तो उसके बाद ये बची हुई जो ये है ना लकड़ियाँ, ये सूखेंगी। सूखने के बाद इसको जलाने के काम आएंगी, चूल्हा वगैरह आराम से जल सकता है। अच्छा है, मतलब लकड़ियाँ वगैरह गांव में खरीदी नहीं पड़ती हैं। तो ये कॉटन की लकड़ियाँ हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये जो होता है ना, ये देखो ये वाला कॉटन होता है, इसको इसके बीच में से कॉटन निकलता है, इसको कोकड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इस तरह से जब ये मतलब सूख जाता है, अरे टूट गया, जब ये सूख जाता है तो इस तरह से हो जाता है। तो इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो आग जलाने के काम में आती हैं। यहाँ देखो, ये है तूड़ी रेजिड्यू। ये जो होती है, ये गेहूं की उसकी राइस की रेजिड्यू है, और वो जो है वो गेहूं का रेजिड्यू है, तूड़ी जिसको बोलते हैं। दोनों में फ़र्क होता है क्योंकि जो गेहूं की तूड़ी होती है वो थोड़ी टाइट होती है। ये बनने के साथ साथ में हम जा रहे हैं, बनना मतलब पगडंडी। उसके साथ साथ में ये साग लगा हुआ है। वैसे तो ये ग्रीन्स ही है जो काम आता है, रेजिड्यू नॉट रेजिड्यू, ग्रीन्स काम आता है पशुओं के चारे के लिए। तो हमने नहर को छोड़ दिया, वहाँ से हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ये नहर आगे आगे से आ रही है, इस तरफ जा रही है, जिस तरफ से हम आए हैं आगे की तरफ जा रही है। गाँवों में ना दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरी वीडियोस लंबी लंबी हो जाती हैं। सोचता तो हूँ कि ये भी ना दिखाऊं यार, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, तो फिर मुझे उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मुझे देखना पड़ता है कि क्या चीज़ काटनी है, क्या चीज़ नहीं काटनी है। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। अब जो लोग सिटी में रहते हैं उनको क्या पता, जो यहाँ पर जो किसान रहते हैं वो कैसे काम करते हैं। एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सीरियसली मैं मुझे किसानों पे बहुत तरस आता है सच में। किस पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों से गुजरते हैं। हम लोग आगे वाले खेत में इसलिए आए थे कि हम चेक करने के लिए आए थे कि कहीं पानी टूट तो नहीं गया, जहाँ से पानी आ रहा है, तो वो बेसिक मैं दिखाता हूँ आपको पानी कहाँ से आ रहा है। वहाँ से आ रहा है, वहाँ से पानी ऐसे आ रहा है खाले में, तो इस तरह से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ऐसे लग रहा है, ऐसे खेतों में ऐसे लगता है, इसलिए आए थे बस यही चेक करने के लिए। अब हम यहाँ से अगले खेत जाएंगे, मतलब अगले खेत तो हैं हम, अब पीछे वाला खेत जहाँ पर उस दिन मोटर का काम चल रहा था वहाँ जाएंगे। यहाँ पर ना जिस खेत में हम हैं, यहाँ पर एक पीर की जगह है जिनको मामा जी मानते हैं, तो हर वीरवार को यहाँ पर एक दिया जलाते हैं उनको याद करते हैं। तो काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी सालों से है ये, देख रहे होंगे आप यहाँ पे पीछे, तो काफ़ी सालों से है। सलाम करते हैं, चलिए कुछ और देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैं हमारे नाना जी के फैमिली के ईष्ट देवता। तो हर वीरवार को यहाँ पर एक दिया जलाया जाता है, या जैसे दिवाली का फेस्टिवल है तब भी दिया जलाया जाता है, तो इनको याद किया जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, यहाँ पर ना एक रेड कलर के कुछ लगा है, ये पता नहीं फ्रूट है क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन अच्छी चीज़ है ये, पता नहीं खाने लायक है या नहीं है। दिख रहा है आपको या नहीं? देख, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, पता नहीं क्या चीज़ है ये, कुदरत है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये पेड़ है बहुत बड़ा। चलिए हमारा भी सलाम है आपको। लो जी आग सेक लो। ये देखो ट्यूबवेल कैसे पानी चल रहा है, देखो जूम करता हूँ और ज़्यादा जूम करता हूँ और करते हैं, फाइनली मैं ना जो आगे वाले खेत है वहाँ से मैं आ गया हूँ। तो काफ़ी, मतलब यूँ समझो कि 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा हमने जो पार किया अभी खेत के बीचों बीच आए हैं हम लोग। मज़ा आता है खेत में घूमना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यार, क्योंकि बचपन यहाँ पर जहाँ आपका बीतता है ना, वहाँ पर आपको वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो लगभग सभी जगह पानी लग रहा है। तो मैं फाइनली अपने जो नज़दीक वाला खेत है वहाँ पर आ गया हूँ। भाई मज़ा आ गया सच में, इतना लंबा डिस्टेंस किया हमने, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर तो हमने वॉक इन किया होगा। तो इतना वॉक इन किया तो पैरों में जो जंग लग जाता है ना, वो ख़त्म हो गया। भाई ये सिटी वाले जो होते हैं ना, शहरों में जो लोग रहते हैं, उनके पैरों में जंग लगा रहता है। जंग का मतलब ये कि अगर उनको बोलेंगे ना चल के यार चलो वॉक इन कर लेते हैं, ओ नहीं नहीं मुझसे नहीं वॉक होगा, ये होगा वो होगा, बहाने मार देंगे, टाल देंगे। मैं उनकी शहर वालों की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शहर में रहता हूँ, तो मैं भी टाल ही देता हूँ। ऐसे ही होता है सब जगह। फाइनली पहुंच गया। चलिए ठीक है, फिर अब हम इस व्लॉग का करते हैं एंड। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा मुझे बनाना नहीं था, बट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। वैसे हमें कल यहाँ से वापस जाना है, आज हम रुके हैं, और अगले जो व्लॉग मिलेंगे आपको वहीं के ही मिलेंगे, ठीक है। वैसे अभी तो 1-2 व्लॉग और आएंगे, उसके बाद के व्लॉग जो आपको है मेरे होम टाउन के मिलेंगे। चलिए फिर अब हम इस वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विलेज लाइफ में मैंने आपको दिखाई, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। जब तक मैं आपके कमेंट्स रिप्लाई कर रहा हूँ, जब मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं बोल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।